एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे इस तरह से ही प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज बेसिकली मैं कहीं ट्रिप पे आया हूँ घूमने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, आई थिंक जो लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे ट्रैवल कितना ज़्यादा पसंद है, एक्सप्लोर करना कितना पसंद है। और मैं बहुत प्यार से शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा और बोलिएगा कि कैसा लग रहा है। तो एनीवेज मैं आया हूँ, बट आई एम नॉट कैरिंग द टैरोट्स कार्ड्स बिकॉज हर जगह पे कार्ड्स कैरी नहीं कर सकते, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है टैरोट में। तो बेसिकली आज जो हम वीडियो करने वाले हैं ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा एंड आई नो कि आप सभी को अच्छा लगेगा। ये जो टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि ऐसा कौन सा साइंस है जिससे कि आपको पता चले कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको याद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में भी चलता रहता है, कुछ लोगों को उसके बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। एंड ये जो टॉपिक पे मैं अभी बात करूंगा या जो भी साइंस के बारे में मैं बात करूंगा, इनमें से कुछ साइंस जो है उसका मैंने एक तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड वाला एक चीज किया है, जो कि देखा है एंड हाँ वो काम करता है एक्चुअली। और कुछ कुछ है जो कि मैंने सुना है कि बहुत पावरफुल है एंड इन स्पिरिचुअलिटी आल्सो इसका मेंशनिंग मुझे बहुत जगह पे मिलता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी इस बारे में बात करते हैं। बट इसका अभी तक उतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली आपको कुछ बोल नहीं सकता, तो ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि ये इस तरह का चीज हो। ओके, सो सबसे पहला जो चीज है जिससे कि आपको पता चलेगा या समझ में आएगा कि आपके पार्टनर आपको दिल से याद कर रहे हैं, वो ये है कि आपको उनका एक तरह से सपना आएगा। और ये जो ड्रीम्स आएगा, ये जो सपने में उनका आना, और हो सकता है कि वो उस तरह का ड्रीम्स आपको बहुत दिनों तक देखने को मिले। ओके, बार बार वो ड्रीम्स में आए या बहुत बार आए या पर्टिकुलरली एक खास किसी सिचुएशन उनके साथ का, उस तरह का कोई ड्रीम अगर आपको देखने को मिलता है सपने में, तो फिर डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। दिस इज अ ट्राइड टेस्टेड थिंग, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 70-80% केसेस में उनके पार्टनर उनको सच में याद करते हैं। तो मैंने ये देखा है मेरे बहुत सारे दोस्तों में ट्राई करके, एंड डेफिनेटली वहां पे देखा है कि हाँ ऐसा होता है। ओके, सो पहली बात जो है वो है ड्रीम्स। दूसरा जो साइन है वो ये है कि आपको उनका नाम हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन साइन है, बहुत लोग इसको कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, बहुत लोग गुस्से में इसको कोइंसिडेंस बोलते हैं कि हाँ दिख रहा है तो दिख रहा है, हाँ क्या बात है, वो तो कोइंसिडेंस है, तो इस तरह से गुस्से में बोलते हैं। बट इन सम सिचुएशंस, एंड इसको इसका भी मैं ट्राइड एंड टेस्टेड एक तरह से बोल सकता हूँ कि यस ये सच है, एंड 70-80% केसेस में ऐसा होता है कि वो सच में याद करते हैं, एंड दैट इज द रीजन आपको नाम दिखता है। अब आप बोलेंगे कि नाम कब मेरे को पता चलेगा कि हाँ जब वो नाम दिख रहा है तो वो इंसान मुझे याद कर रहा है। आपको कंटिन्यूअसली एट अ स्ट्रेच दिखेगा, मतलब सपोज अगर किसी का एक कोई नाम है, कोई भी एक्स वाई जेड अगर नाम है, तो वो एक्स वाई जेड जो नाम है वो बार 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 आपको देखने को मिलेगा उसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। हो सकता है एक घंटे में आप वो एक्स वाई जेड कम से कम 20-25 बार देख लें, या फिर पूरे दिन में करीब करीब 50-60 टाइम्स आपको देखने को मिले। कहीं पे भी हो सकता है, आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे नाम देखने को मिले, सोशल नेटवर्क पे देखने को मिले, रास्ते से कहीं आप जा रहे हो किसी होर्डिंग पे वो नाम आपको देखने को मिले, आप कहीं पे खड़े हैं साइड से किसी ने उस नाम बात फोन पे कोई और बात कर रहा है, या किसी कोई दो अलग अलग इंसान बात कर रहे हैं साइड में, उन दोनों के कन्वर्सेशन में उनका नाम आ गया। और हो सकता है किसी के भी आपके दोस्त के थ्रू ही किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया उस नाम का कि उनका क्या चल रहा है, क्या खबर है।
तो किसी ना किसी तरह से वो नाम आपको सुनने को मिलेगा, और बार बार जब आपको ये नाम सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, तो आपको समझना होगा कि यस, सामने वाला इंसान आपको दिल से बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं. ओके, सो या दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल साइन, एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड. मैं ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो जो साइंस है वो पहले बोलता हूँ, बाकी जो साइंस मैं बोलूंगा जो कि स्पिरिचुअलिटी में आता है और काफी कॉन्टेक्स्ट में मेरे रिसर्च में भी बहुत ज्यादा ये मिला है, बट इसके ऊपर मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं प्रॉपरली बोल नहीं सकता. बट मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस टॉपिक, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, मैं डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज आपको रोना आएगा. ये बहुत लोग आई थिंक मेरे से बोलेंगे कि रोना आएगा तो इसमें मेरे को कैसे याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं. सपोज आपको रोना आएगा तो आप ये फील करेंगे कि हाँ, मैं आई एम मिसिंग दैट पर्सन, और दैट पर्सन हर्ट मी, और समथिंग लाइक दैट. जिस वजह से, और हो सकता है आउट ऑफ रोमांस भी, आप रो रहे हो बार बार, बहुत ज्यादा आप रो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं रो रहा हूं तो इसमें वो मुझे कैसे याद कर सकता है. वो इस तरह से याद कर सकता है कि उनका जो इमोशंस है वो आपको हिट कर, आप हमेशा ये सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ किया है, या मैं उनको मिस कर रहा हूं इसलिए मैं रो रहा हूं, या मैं दुखी हूं इसलिए मैं रो रहा हूं, या फिर मैं रोमांटिकली उनके बारे में बहुत भावुक हूं, इमोशनल हूं, दैट्स वाई आई एम क्राइंग. बट ये सेम जो तीन चीज मैंने बोला, ये उनके तरफ से भी हो सकता है. और जब जैसे आप अगर उनको याद करते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, जब आप उनको याद करेंगे उनको आपकी याद आएगी, एग्जैक्टली सेम वे में जब वो आपको याद करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट आपके अंदर भी देखने को मिलेगा, और वो सबसे पहला इफेक्ट होता है रोना. अगर आपको रोना आता है, और ये जो रोना होगा ना, ये कोई प्लान्ड नहीं होगा, अचानक से होगा. मतलब नॉर्मल बात चल रहा है, नॉर्मल फ्रेंड्स सर्कल के अंदर है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस में, या कुछ भी आप कुछ कर रहे हो, सडनली आपको रोने का मन होगा आउट ऑफ द ब्लू. ओके, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को रोना क्यों आ रहा है, बट आपको रोना आएगा. आप बहुत ज्यादा रोएंगे अचानक से, फिर आप शांत भी हो जाएंगे, बट आपको कुछ देर के लिए वो जो रोने वाला जो चीज है, इस साइन से आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं. रोने का मतलब ये नहीं पूरी पूरी रात आप रो रहे हो एंड मेरे पार्टनर मुझे, ऐसा नहीं. ये साइन तभी एप्लीकेबल होगा जब आउट ऑफ द ब्लू आप रोए, जब आपका रोने का मन नहीं है, रोने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, बट सडनली आपकी आंखों में आंसू आ जाए, बहुत ज्यादा आप रो पड़ो, भावुक हो जाओ इमोशनली, और उनकी याद आए कुछ देर के लिए, फिर आप नॉर्मल हो जाओ, तो तब आपको ये समझना होगा कि वो सामने वाला इंसान आपको याद कर रहे हैं. इस चीज का मैंने जो टेस्ट लिया था, ये आई थिंक 50-60% केसेस में ये चीज हुआ है. ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, कुछ कुछ जगह पे ये काम करता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज आपके पार्टनर का एक स्पेसिफिक कोई स्मेल होगा. ओके, वो स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगा कहीं से भी अचानक से. वहां पे वो स्मेल आने का कोई चांस नहीं है, बट आपको वो स्मेल आएगा. हो सकता है वो कुछ खास तरह का एक परफ्यूम यूज करते हैं, उसका स्मेल हो सकता है. कुछ लोग सिगरेट या फिर कोई नशा जो करते हैं, एक कोई अगर ड्रिंक करता है या स्मोक बहुत ज्यादा करता है, तो उसके अंदर से भी एक तरह का स्पेशल एक स्मेल आता है. ओके, तो वो जो स्मेल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा. बहुत सारे लोग तंबाकू या पान पर इस तरह का चीजें खाते हैं, तो उनके मुंह से भी एक तरह का स्मेल, या उसके बॉडी में से एक तरह का स्मेल, मसाला, सुपारी एंड ऑल, उस तरह का एक स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगा. दीज आर वेरी ट्रिकी एंड स्पिरिचुअल थिंग्स. तो अचानक से, या फिर उनका बॉडी का कोई एक खास स्मेल, कुछ इंसानों का वैसा होता है स्मेल. आपको मैं जो बोल रहा हूँ, जो इंसान समझ रहा है, जो लोग प्यार में है उनको समझ में आता है. आई थिंक वो जो स्मेल है वो आपको सडनली आना शुरू हो जाएगा आउट ऑफ द ब्लू. आप रास्ते में जाएंगे, अचानक से आपको वो स्मेल आएगा. कहीं पे भी बैठे हैं, अचानक से आपको वो स्मेल आएगा. कहाँ से आया है वो स्मेल आपको नहीं पता. तब आपको समझना होगा कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा दिल से याद कर रहा है. अच्छा, ये इंसान मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. तो ये जो टेस्ट है ये मैंने चेक किया है, 30-40% केसेस में ये होता है. ओके, इसका रेशियो थोड़ा कम है,
बट अगर होता, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज नहीं होता, बहुत लोग समझ भी नहीं पाते कि कौन सा स्मेल है एक्चुअली उनके पार्टनर का, क्योंकि बहुत सारे स्मेल्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस में उसके पार्टनर को समझ आता है कि हाँ ये उनका ही स्मेल है, तो इसीलिए 30-40% केसेस में ये दिखता है. नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, कमेंट्स में भी आता है मेरे पास, कि मुझे तो एंजल नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या कि मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहे हैं? नो, एक्चुअली नॉट. ओके, सो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है. एंजल नंबर दिखने से आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, बट एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है, खास करके 1111, 4 बार 1 अगर आता है, 1111, या फिर 1111, 1122, 1333, 1144, 1155, 1166, 1177, 1188, 1199, 1010. ओके, इस तरह का जो एंजल्स नंबर है, ये अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यूनिवर्स हैज योर बैक. यूनिवर्स आपके साथ है, ओके, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. और कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का जो फोर फादर्स है, एंसेस्टर्स है, वो भी एक तरह के एंजल्स बन जाते हैं, और वो हमारे साथ गार्डियन एंजल्स की तरह रहते हैं, रक्षक. ओके, तो वो भी हमको ऊपर से ब्लेसिंग्स देते हैं. ओके, तो एक तरह से जब आपको इस तरह का नंबर दिखे, सब हो सकता है कि आप बहुत टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, और सडनली बहुत ज्यादा इस तरह का नंबर दिख रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपके साथ कोई है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको डरने वाला कुछ बात नहीं है. दूसरा, अगर आप कोई डिसीजन लेने में घबरा रहे हैं या कंफ्यूज हैं, तो अगर एंजल नंबर आपको दिख रहा है, तो ये आपको समझना होगा दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. जैसा आप चल रहे हो वैसा चलो. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट एंजल नंबर देखने से आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते हैं. ओके, अनदर थिंग इज हिचकी आना. ओके, इस चीज का भी ठोस कोई प्रूफ हम लोगों के पास नहीं है, बट बहुत सालों से हम लोगों के पेरेंट्स के, जो मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा के थ्रू भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा कि लोग बोलते हैं जब हिकअप्स आता है या हिचकी आता है, तो शायद कोई हमको याद करता है. इसका कोई ठोस प्रमाण या परसेंटेज या टेस्टेड प्रूफ मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता. अगर आप ये मानते हो देन वेल एंड गुड, हो सकता है आपको याद कर रहे हैं, बट इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं इसको बोल नहीं सकता. बट लोग इस रेफरेंस को देते हैं, इसलिए मैंने ये चीज इस वीडियो के अंदर भी रखा है. ओके, अनदर थिंग इज, हो सकता है कि आपको उनका आवाज सुनाई दे, कानों में एक तरह से ऐसा लगे कि किसी ने मेरे को पुकारा. ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है. ये उन लोगों के लिए होता है जो कि क्लियर ऑडियंस है. अब क्लियर ऑडियंस मतलब जो बहुत क्लियर सुन पाते हैं. ऐसे लोगों को बहुत सारी नॉइज भी, अलग अलग किस्म का नॉइज भी सुनने को मिलता है, बट बहुत कम, 10-20% या 10-25% के अंदर ये होता है इन परसेंटेज, जहां पे आपको आपके पार्टनर के तरफ से कुछ वाइब्रेशंस आता है और एक तरह से गूंज आता है. आपका नाम आपको सुनने को मिलेगा उनके वॉइस में, या कुछ मैसेज, बहुत स्मॉल कुछ मैसेज सुनने को मिलेगा कि वो बोल रहे हैं. तो इस तरह का भी एक चीज हो सकता है, बट इसका भी मैंने कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड, कोई कुछ किया नहीं है टेस्ट, तो इसका ठोस कुछ मैं बोल नहीं सकता, बट डेफिनेटली जितना मैंने रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत इस चीज का भी होता है. ओके, अनदर थिंग इज, हो सकता है कि उनका फोटो आपके सामने अचानक से कहीं ना कहीं से आ जाए, या कोई आपको शेयर कर दे. हो सकता है कि एक कोई ग्रुप फोटो किसी ने आपको भेजा जहां पे उनको आप देख पा रहे हो, या किसी ने कोई स्टेटस दिया जहां पे उनको आप देख पा रहे हो, या फिर सोशल मीडिया में सडनली एक पोस्ट, जबकि आप दोनों बात नहीं करते, जबकि एक दूसरे को शायद ब्लॉक करके रखा है, या फिर नो कांटेक्ट है, या फिर उतना थोड़ा इन एंड आउट है, यू नो,
अजीब सा बट अलग से, ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, बट आपको उनका फोटो सडनली देखने को मिलेगा, ऐसा फोटो जो कि अनोखा होगा। मतलब ये किसी ने पोस्ट नहीं किया है, शायद उन्होंने भी पोस्ट नहीं किया है, बट किसी ना किसी चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके तो ये भी एक तरह का याद करना ही है। तो या सो दीज आर बेसिकली द मेन एंड प्राइमरी साइंस जिससे कि आप समझ सको कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई साइंस आपको देखने को मिलता है या फिर आपने एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में डेफिनेटली आज मेरे को बताइएगा कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया है या कुछ रेजोनेट किया आपके साथ, ये जो भी साइंस मैंने बोला ये मैच किया कि नहीं। एंड डेफिनेटली अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी मेरे को बोलिएगा कॉमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे साथ बने रहिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हम लोग आगे टैरोट रीडिंग्स डेफिनेटली लेके आएंगे। एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज बी पावरफुल एंड मुस्कुराते रहिए एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड्स ऑल्सो।